ये है वी गार्ड का ये मॉडल, यहाँ पे ये स्पेसिफिकेशंस लिखा है, ये मॉडल लिखा है, कितना वाट है वाटेज लिखा है, और ये खोला है। तो यहाँ पे रॉ वाटर मतलब यहाँ पे इनलेट है पानी का, तो यहाँ से जाके पानी ये पाइप से जा जाके यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे आता है ये साइड कॉर्नर में, फिर वहाँ से घूम के ये वाटर डायरेक्टली यहाँ पे इन होता है। सबसे पहले प्री कार्बन फिल्टर में इन होता है, उसके बाद यहाँ से यहाँ पे जाके सेडिमेंट फिल्टर में जाता है, फिर सेडिमेंट फिल्टर से ये निकाल के ये यहाँ से जाके वो एक स्विच होता है, मतलब वाल्व होता है, इलेक्ट्रिकल वाल्व, जो यहाँ से जब सिग्नल मिलता है कि इसको खोलना है तब ये ओपन हो जाता है, फिर पानी को यहाँ पे पास करते हैं ये। तो ये पाइप से पानी आते आते ये मोटर का इन में आता है, ये मोटर है, तो ये साइन दिया हुआ है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में दिखा रहा है। तो यहाँ से पानी इन होता है मोटर के अंदर, जो मोटर इसको फिर टानता है अंदर, और यहाँ से पानी निकलता है, फिर ये पानी निकल के यहाँ से जाके डायरेक्ट ये आरओ मेम्ब्रेन में आ जाता है, यहाँ पे आरओ मेम्ब्रेन जो है, और आरओ मेम्ब्रेन का नीचे दो पाइप है, तो यहाँ पे एक पाइप है जो खराब पानी, अनफिल्टर्ड पानी, या क्या बोलते हैं इसको, रिजेक्टेड वाटर, तो ये पाइप से रिजेक्टेड वाटर निकल के ये यहाँ से ये ऊपर वाला से रिजेक्टेड वाटर निकल जाता है, और जो फिल्टर्ड वाटर है वो फिल्टर्ड वाटर यहाँ से निकल निकल के इसके अंदर में जाता है, ये टैंक के अंदर, और ये टैंक के अंदर यूवी है, अल्ट्रा वायोलेट लाइट, जो जर्म को मारता है पानी में, अगर बच्चा कुछ लास्ट स्टेज में कुछ जर्म होता है तो उसको मारते हैं, फिर यूवी के बाद यूवी यहाँ से निकलता है, निकल के फिर जाके ये टैंक में घुसता है पानी। ये है पोस्ट कार्बन जीएसी प्लस एमबी, तो ये फाइनल है, फिर यहाँ से जाके ये पाइप से निकलता है पानी, तो यहाँ से जाके ये वाला टैंक में जाता है, ये टैंक मालूम नहीं क्या है, फिर यहाँ से जाके ये पाइप से आके आके यहाँ पे ये पाइप से फिर इसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ कनेक्टेड है, और ये जाके यहाँ पे कनेक्ट होता है, और इसका जो वाटर टैंक है ये वाटर टैंक में जाके जमा हो जाता है पानी, और ये तीन कनेक्शंस है, ये सामने वाला एलईडी के लिए कनेक्शंस वगैरह हैं, और ये मैंने खोला है क्योंकि कस्टमर सर्विस को कई बार फ़ोन किया, एक साल से ज़्यादा हो गया ख़रीदा है मैंने, तो इसका कोई भी सर्विसिंग नहीं मिला, और दो तीन बार कॉल लॉक करने के बाद भी कोई ज़्यादा रेस्पॉन्स नहीं मिला, और इसलिए मैं खुद खोल के अभी देखूँगा कि इसके अंदर थोड़ा एक इशू है, इसलिए मैंने खोला है, अभी इसको मैं साफ करूँगा प्री कार्बन फिल्टर को, क्योंकि सबसे पहले पानी यहीं पर आता है, तो इसके अंदर ही गंदगी जमा होने का चांसेस है, तो इसको हमें खोल के अभी उल्टा डायरेक्शन में पानी पास करेंगे। नॉर्मली फिल्टर होने के टाइम में यहाँ से पानी आ रहा है और यहाँ से निकल रहा है, अभी मैं यहाँ से पानी डाल के यहाँ से निकालूंगा, तो इसके अंदर में कुछ जर्म्स है, तो मतलब कुछ गंदगी है, तो वो यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन मैं जो पानी डालूँगा वो प्री फिल्टर से पास होने वाला पानी, क्लीन पानी ही डालना है, नहीं तो इसके अंदर फिर यहाँ से गंदगी घुस जाएगा ऊपर से। ठीक है, अभी मैंने प्री कार्बन फिल्टर को खोल लिया, तो यहाँ से खोल लिया मैंने, और देखिए ये अंदर में लाल लाल दिख रहा है, मतलब यहाँ पे यहाँ से गंदगी आके ये अंदर में घुसा है गंदगी, ये साइड से एंट्री होता है पानी का, और ये साइड से निकलता है, तो ये साइड में थोड़ा सा साफ दिख रहा है पानी, तो ये साइड से अभी पानी पास करेंगे, तो ये साइड का गंदगी निकल जाएगा। अब इसका उल्टा डायरेक्शन से पानी निकल रहा है, गंदगी ज़्यादा नहीं दिख रहा है, इसको थोड़ा थोड़ा अभी हिलाना है ऐसे, ऐसे गंदगी नहीं है, ऐसे ही जितना स्पीड में हो सके उतना स्पीड में थोड़ा निकलने देता हूँ अभी, बस 10 मिनट।
इसको भी ऐसे खोल दिया ताकि पानी ज़्यादा स्पीड से निकल सके। ये लगभग 5 मिनट हो गया पानी ऐसे ही निकल रहा है। और यहाँ पे इसको ऐसे खोल के रखा था और वो प्री कार्बन फिल्टर से पानी इसमें आता है सेडिमेंट फिल्टर में, तो इसमें इन होता है यहाँ से। तो इसके अंदर दिखता कुछ काला काला तो कुछ दिख रहा है, इसको क्या करें, इसको साफ करने के लिए तो बहुत खोलना पड़ेगा। इसके अंदर में ये पानी घुसाना सही नहीं है, ये जैसे ही वैसे ही रहने देते हैं अभी के लिए। अगर इसका स्पेसिफिकेशंस देखना है आपको तो ये देखिए, मोटर मोटर का स्पेसिफिकेशन वो साइड में लिखा है, देखिए। मोटर तो चाइनीज मोटर है। ग्रैंड फॉरेस्ट मोटर का नाम। स्पेसिफिकेशन सेल्फ सक्शन कुछ लिखा है, बोल्ट्स कुछ लिखा है, कुछ तो जमा हुआ है। ये काला काला कुछ कुछ निकल रहा है, ये तो चेक करने से निकल रहा है। ये कार्बन निकल रहा है, इसको फाइनली फिट करने से पहले बाहर ही थोड़ा पानी फिल्टर करने दिया, देखता हूँ कि फिल्टर हो रहा है कि नहीं। अभी तो फिलहाल हो रहा है और ये साउंड पहले भी आ रहा था, अभी थोड़ा थोड़ा नहीं आ रहा है, अभी ये बंद हो गया साउंड। मालूम नहीं ये साउंड कहाँ से आ रहा है, आपको अगर मालूम है तो कमेंट करके बताइए ये साउंड किस लिए हो रहा है। ये है यूवी चैम्बर, लेकिन यूवी जल रहा है कि नहीं वो कैसे देखो, उसको अंधेरा में देखना पड़ेगा शायद, कहीं से अगर लाइट वगैरह थोड़ा निकल आता है बाहर। अभी शायद ठीक हो गया, वो साउंड भी नहीं है, शायद जाम हुआ था इसलिए वो साउंड निकला था। मोटर थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट कर रहा है, ये साउंड जो है मोटर से ही आ रहा है। अभी यहाँ कहीं से साउंड भी आ रहा है, कुछ स्पार्क हो रहा है ऐसा कुछ साउंड। ये धुआं भी निकल रहा है, कैसे ये धुआं भी निकल रहा है थोड़ा, ये यूवी चैम्बर के यहाँ से। अभी साउंड भी शुरू हो गया, शायद ये कनेक्शन लूज है ना क्या। अभी ये यूवी लाइट को चेक किया, यूवी लाइट फ्यूज है, यूवी लाइट फ्यूज हो गया तो यूवी लाइट ये है फिलिप्स का, फिलिप्स का 4 वाट का यूवी लाइट है। अभी इसको मंगवा के इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, तभी जाके ये साउंड ठीक होगा और ये पानी भी क्लीन होगा। फिलिप्स का यूवी 4 वाट G4T समथिंग कुछ लिखा है, ये अभी ऑनलाइन में देखना पड़ेगा इसका प्राइस कितना होगा। तो इसका एक साइड फ्यूज हो गया, जैसे ट्यूबलाइट होता है तो इसका भी अंदर में फिलामेंट होता है दोनों साइड में। तो मैंने मल्टीमीटर लगा के चेक किया तो काम नहीं कर रहा है, एक साइड में ठीक है, एक साइड में ख़राब हो गया, तो अभी इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। यह है यूवी चैम्बर जहाँ से यूवी लाइट को निकाला है। अंदर में एक और एक ट्यूब है जहाँ से ये पानी जाके निकलता है, वहाँ पे एक ट्यूब है खाली, यूवी लाइट के ऊपर से खाली ये पानी
पास होता है, इससे लगाना पड़ता है इसको। यहाँ पे देखे ये दोनों साइड में कनेक्शन, अभी फिर से इसको जैसा था ऐसे ही फिट कर दिया। यूवी लाइट को ऑनलाइन से ऑर्डर करेंगे, फिर लाने के बाद इसको लगा के फिर फिट करेंगे। अभी इसको ऐसे ही रख देंगे लगा के कुछ दिन चलने के लिए, क्योंकि बिना यूवी लाइट का भी चल जाएगा। बाकी जो फिल्टर से आरओ है, आरओ का काम करेगा लेकिन यूवी का काम नहीं कर रहा अभी फिलहाल। तो वो ये फिल्टर अभी एक महीना बाद उसी तरह चल रहा है। बीच में कस्टमर सर्विस से लोग आए थे, मैंने एक बार कंप्लेन किया था कि एक बार भी सर्विस नहीं मिला ख़रीदने के बाद, तो वो लोग बोला कि एक्सटेंड कर दिया है वारंटी तो सर्विसिंग देंगे। तो एक बार आके खाली ये इसके अंदर में जो होता है वो चेंज करके चला गया, और बाकी जो बीप बीप साउंड आ रहा है तो मैंने बोला कि वो यूवी लाइट ख़राब है, तो वो लोगों ने बोला कि नहीं ये पानी का प्रेशर कम है इसलिए वो बीप बीप साउंड आ रहा है। तो मैं ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता, इसलिए अभी मैं यूवी का फिल्टर खुद खरीद के खुद लाऊंगा। अभी ये एलईडी भी नहीं जल रहा है, ये पहले भी नहीं जलता था, और ये बीप बीप साउंड यूवी लाइट फ्यूज़ हो गया इसीलिए ये साउंड हो रहा है। पानी के प्रेशर का कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, ये देखिए पानी पूरा अच्छे से फिल्टर हो रहा है, पानी में कोई दिक्कत नहीं है, खाली बस ये साउंड हो रहा है और यूवी लाइट लाके लगाने से ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि यूवी लाइट वो जो स्पार्क करके धुआं निकल रहा था तभी यूवी लाइट फ्यूज़ हो गया या ख़राब हो गया। और इसका सामने एक कवर था वाइट कलर का, उसको खोल दिया क्योंकि यहाँ पे चिट्टी ने आके घर बना लिया था, तो इसको खोल दिया ताकि अच्छे से साफ कर पाए। और ये भी खोल दिया था, इसको भी खोल सकते हैं। इसको खोल के अंदर में क्लोव ऑयल लगा के इसके अंदर में डाल दिया साइड से, ताकि ये क्लोव ऑयल का जो स्मेल होता है उससे चिट्टी यहाँ से दूर दूर भाग जाए। इसको अभी कुछ दिन बाद यूवी लाइट चेंज करने से ठीक ठाक चलेगा फिर। थैंक यू।